वेलकम टू एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस ASMS में आपका स्वागत है। क्लास सिक्स साइंस चैप्टर टू सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर को चार पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट में कवर किया जाएगा ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल्स विच मे बी यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट। पार्ट टू कवर करेगा सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जिसमें अपियरेंस, हार्डनेस और सॉल्विटी इन वाटर की चर्चा की जाएगी। पार्ट थ्री में पढ़ाया जाएगा सम मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जिसमें फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर का जिक्र करेंगे, साथ ही साथ बिहेवियर्स टुवार्ड्स लाइट, ट्रांसपेरेंसी, इसकी चर्चा होगी। पार्ट फोर कवर करता है एनसीईआरटी के चैप्टर के अंत में जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा। पार्ट वन, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, इसके जो कंटेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप, आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल्स विच मे बी यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट। एनसीईआरटी के पेज 11 पे हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम, नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। हमने देखा है कि हमारे भोजन, हमारे वस्त्र जो हैं उनकी विविध प्रकार हैं। सिर्फ भोजन और वस्त्र के लिए नहीं, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। वी सी अराउंड अस अ चेयर, गुल्लक कार्ड, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ, टॉयज, वाटर, स्टोन एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसके शेप अलग हैं, कलर्स अलग हैं, उनका यूजेस अलग है। जैसे फिगर 2.1 में कुछ ऑब्जेक्ट्स को दिखाया गया है जो डिफरेंट शेप्स के हैं, कलर्स के हैं, उनका अलग अलग यूज। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। तो आसपास के उन ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है जिसका शेप जो है राउंड है। जैसे इस लिस्ट में, आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, फुटबॉल, अ ग्लास मार्बल। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक। अगर हम वैसे चीजों को भी इस लिस्ट में शामिल कर लें जिनका शेप एग्जैक्टली राउंड तो नहीं है लेकिन लगभग राउंड है, तो उसमें एप्पल्स, ऑरेंजेस, अर्थन पीचर जिसको घड़ा कहते हैं, उस लिस्ट में शामिल हो सकता है। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अगर हम ये चाहते हैं कि प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का एक समूह बनाए, तो उस समूह में हमारे पास बकेट्स हो सकता है, लंच बॉक्सेस हो सकते हैं, टॉयज हो सकते हैं, वाटर कंटेनर्स हो सकता है, पाइप्स हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे प्लास्टिक का चेयर, टेबल भी उस लिस्ट में शामिल हो सकता है। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट जो हैं उनको ग्रुप करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इन द एबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। तो यहाँ हमने राउंड शेप की चर्चा की, यहाँ पे हमने नियरली राउंड शेप की चर्चा की, यहाँ पे हमने प्लास्टिक से बने हुए ऑब्जेक्ट की चर्चा की। यानी यहाँ पे मटेरियल के आधार पे और शेप के आधार पे क्लासिफाई करने की कोशिश की गई, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में बांटने का प्रयास किया गया। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो एक या एक से ज्यादा मटेरियल्स का बना हुआ है। दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? क्या इसके अलावा भी आप मटेरियल के बारे में सोच सकते हैं? तो मटेरियल जो है वो सिरामिक हो सकता है,
मटेरियल सिल्क हो सकता है, इस तरह से और भी डिफरेंट टाइप के मटेरियल पूछे जा सकते हैं। एक्टिविटी 1.1, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। तो जितने ऑब्जेक्ट्स हम कलेक्ट कर सकते हैं अपने आसपास से उनको कलेक्ट कीजिए। इसके लिए हमारे घर में, हमारे स्कूल के क्लासरूम में, स्कूल के बाहर जगह बदल बदल के अलग अलग जगहों से हम लोग ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करेंगे। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, तो आपके कलेक्शन में क्या हो सकता है? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ये सब आपके स्टडी से रिलेटेड है। हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ओनियन, चेयर, टेबल, ये सब हो सकते हैं। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट बी ब्रिंग टू द क्लास रूम फॉर एग्जाम्पल। अब हम ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में भी सोच सकते हैं जिसे क्लासरूम में नहीं लाया जा सकता है, जैसे वॉल है, बिल्डिंग है, ट्रीज हैं, डोर्स हैं, ट्रैक्टर हैं, रोड हैं, इनको क्लासरूम में नहीं लाया जा सकता है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड व्हाइल द अदर ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मेटेरियल। तो जितने भी ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट किए उसको दो ग्रुप में बांटना है। एक वो ग्रुप होगा जिसके ऑब्जेक्ट पेपर या वुड के बने हुए होंगे और दूसरा ग्रुप जो पेपर या वुड के अलावा किसी और मटेरियल का बना हो। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो भोजन हेतु जिन ऑब्जेक्ट वस्तुओं का इस्तेमाल होता है उसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ये एक लिस्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ पेपर और वुड को ए से, ऑब्जेक्ट्स नॉट मेड ऑफ पेपर और वुड को बी से, और ऑब्जेक्ट्स यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड को सी से हम लोग दर्शाएंगे। तो इस लिस्ट में अगर हम लोग देखें तो पेंसिल बनाने में, नोटबुक बनाने में, डस्टर को होल्ड करने के लिए वुड का इस्तेमाल हो रहा है, हैमर का जो हैंडल है उसमें वुड का इस्तेमाल है, तो बैट की बात करेंगे तो ये वुड का कंप्लीटली बना हुआ है। इसके आगे जो ट्रीज हैं ये मेटेरियल नहीं है, ट्रीज से हमको वुड मिलता है। डोर्स बनाने में वुड का इस्तेमाल करेंगे, मैच बॉक्स बनाने में वुड का इस्तेमाल हो रहा है, पेपर का प्लेट बनाया जा सकता है। तो जिन जिन ऑब्जेक्ट को हमने किया वो पेपर या वुड के कैटेगरी में आएगा, उनसे बने हुए ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा, तो ये ए टाइप का हो गया। बाकी जिसको मार्क नहीं किया हुआ है वो बी टाइप के हैं। और ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड और जिनका खाने में, भोजन में, भोजन बनाने में इस्तेमाल होता है उसमें सॉल्ट है और पोटैटो है। इस तरह से हम लोगों ने पेपर के मटेरियल या वुड के मटेरियल से बना हुआ जो ऑब्जेक्ट है, जो नहीं बने हुए हैं उन ऑब्जेक्ट को, और जो भोजन के प्रिपरेशन में यूज होता है उन ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सेपरेट किया। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 2.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। ये कहा जा रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट किए तो पता कीजिए कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ये आपके लिए एक फन होगा, एक बहुत बड़ा टेबल होगा, और चूंकि टेबल में बहुत सारे ऑब्जेक्ट शामिल होंगे
it may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your school friend, teacher and parents to identify the material. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिसके मटेरियल का पता करना आपके लिए मुश्किल होगा, तो उसके लिए अपने दोस्तों की मदद लीजिए, टीचर की मदद लीजिए, अपने पेरेंट्स का हेल्प. यहाँ में से कुछ मटेरियल को हम लोगों ने यहाँ लिस्ट आउट करने का प्रयास किया है. जैसे अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, प्लेट, तो इसके बनाने में स्टील, ग्लास, प्लास्टिक सब का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर पेन की बात करें तो पेन के बनाने में प्लास्टिक, मेटल्स का इस्तेमाल हो सकता है. अगर हम लोग शूज की चर्चा करें तो शूज के बनाने में लेदर, प्लास्टिक, डेनिम का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर ऑब्जेक्ट के रूप में हमने चेयर लिया तो चेयर के बनाने में जो मटेरियल यूज हो सकता है वो वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है. इसी तरह से अगर सपोज कीजिए हमने टेबल की बात की तो टेबल के बनाने में वुड, प्लास्टिक, ग्रेनाइट, मेटल, इन सबको यूज करते हुए हम टेबल बना सकते हैं. बुझो वांट्स टू नो वेदर वी फाउंड सम मटेरियल्स दैट वेर यूज फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. तो बुझो ये जानना चाहता है कि क्या हमने कुछ ऐसे मटेरियल्स पाए जिनका यूज एक से ज्यादा तरह के ऑब्जेक्ट को बनाने में हो सकता है. एक्टिविटी 2.2, टेबल 2.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स. यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू. नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरी डे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल एंड लिस्ट देम इन कॉलम. अब इस एक्टिविटी में ये कहा गया है कि आप डिफरेंट मटेरियल को सेलेक्ट कीजिए, जैसे यहाँ पे वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक और कॉटन ये मटेरियल है, और उनसे बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको इनका ग्रुप बनाना है. जैसे वुड के ऑब्जेक्ट को यहाँ दिखाया गया है, पेपर से बने हुए ऑब्जेक्ट की चर्चा की गई है, लेदर का जो ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, लेदर का पर्स हो सकता है, इसके वैलेट बनाए जा सकते हैं, लेदर के शूज होंगे, लेदर के बैग्स बनाए जा सकते हैं, और भी बहुत सारे आइटम्स होंगे. अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक के टॉयज हो सकते हैं, चेयर हो सकते हैं, टेबल हो सकता है, डिफरेंट वस्तुओं को रखने के लिए कंटेनर्स बना सकते हैं. अगर कॉटन की बात करें तो क्लोथ या फैब्रिक बनाने में इसको यूज कर सकते हैं. मैट बनाने में इसका यूज हो सकता है. कॉटन सीड ऑयल बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बेड शीट्स बना सकते हैं. इस तरह से हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट और मटेरियल का लिस्ट पूरा किया. What do we find from these tables? इस टेबल से आखिर हमें क्या पता चलता है? First, we grouped object in many different ways. We then found that objects around us are made of different material. तो हमने ये पाया कि बहुत सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं जो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं. At time, an object is made of a single material. An object could also be made of many materials. अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक ही मटेरियल का बना हो सकता है, जैसे आपके पास प्लास्टिक का ट्वाय है. एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जो कई मटेरियल का बना हुआ है, जैसे अगर हम हैमर की बात करें तो उसमें आयरन के साथ साथ वुड या प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका हैंडल बनाया जाएगा. एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट. और एक ही मटेरियल को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है. वॉट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट. इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल. आखिर किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करना है, इसके लिए जो मटेरियल्स है उसकी प्रॉपर्टी की जानकारी रखनी पड़ेगी. आइए
properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? तो टम्बलर जो है ग्लास है जिसमें हैंडल नहीं होता है, तो क्या उसे बनाने के लिए हम लोग एक कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड. हम लोग जानते हैं कि टम्बलर में लिक्विड को स्टोर करते हैं. देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वेयर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ. तो क्या क्लॉथ के मदद से अगर हम टम्बलर बनाने की कोशिश करें तो ये जो है बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उसमें वाटर होल्ड नहीं हो सकता है. वॉट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल्स दैट विल होल्ड वाटर. तो टम्बलर बनाने के लिए हम लोग ग्लास, प्लास्टिक, मेटल इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जिसमें पानी को होल्ड करने की क्षमता है. सिरामिक्स का यूज किया जा सकता है. सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल. उसी तरह से हम पेपर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे टम्बलर बनाने के लिए या कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए. वी सी दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज. हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी मटेरियल का चुनाव ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, ऑब्जेक्ट किस पर्पस के लिए बनाया जा सकता है या बनाया जा रहा है. तो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेज. आखिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मटेरियल की है जो इम्पॉर्टेंट है उनके इस्तेमाल हेतु. सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस हियर. अपीयरेंस, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, सॉलिबिलिटी, फ्लोटिंग, सिंकिंग, ट्रांसपेरेंसी एटसेट्रा. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसका डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट में किया जाएगा. आइए क्वेश्चन विंडो पे आते हैं. द शेप ऑफ अ रबर बॉल, अ फुटबॉल, अ ग्लास मार्बल. तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट की यहाँ चर्चा की गई है ये सब राउंड शेप के हैं, तो आंसर इसका राउंड होगा. Which of the following materials cannot be made from paper? इनमें से कौन सा चीज जो है पेपर से नहीं बनाया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन डी में टम्बलर है जिसका इस्तेमाल लिक्विड को होल्ड करने के लिए, रखने के लिए किया जाता है. तो अगर हम पेपर का बनाएंगे तो पेपर में हम लिक्विड को स्टोर करके नहीं रख सकते. वी चूज अ मटेरियल टू मेक अ ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन. हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मटेरियल का जो इस्तेमाल करते हैं वो किस बात पे डिपेंड करेगा? इसकी प्रॉपर्टीज पे, ये ठीक है, पर्पस पे, उद्देश्य पे, ड्यूरेबिलिटी पे, यानी आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मटेरियल को यूज करने के लिए वो कितना ड्यूरेबल है, कितना टिकाऊ है. तो आंसर ऑल ऑफ दिस होगा. अ टम्बलर कैन नॉट बी मेड फ्रॉम. तो टम्बलर हम लोग नहीं बना सकते हैं. इस लिस्ट में देखिए ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल है, पेपर. तो पेपर का टम्बलर नहीं बन सकता है, क्लॉथ का टम्बलर नहीं बन सकता है. और स्टडी टेबल कैन बी मेड ऑफ. स्टडी टेबल बनाने के लिए हम लोग वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसलिए आंसर जो है वो ऑल ऑफ अबव होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज हैंडमेड. इनमें से कौन से मटेरियल हैं जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं? तो देखिए वुड है, प्लास्टिक है, कॉटन है, जूट. इसमें प्लास्टिक जो है मैन मेड है, बाकी नेचुरल है. अ मेजरिंग स्केल फुट रूलर कैन नॉट बी मेड ऑफ. वुड का बनाया जा सकता है मेजरिंग स्केल, स्टील का बनाया जा सकता है, प्लास्टिक का बनाया जा सकता है, लेकिन कॉटन जो है बनाना बाकी से अलग है. टेबल, चेयर, ट्री, पेंसिल. तो इस लिस्ट में टेबल, चेयर और पेंसिल जो है नॉन लिविंग है, जबकि ट्री जो है लिविंग है.
से आंसर इसका सी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज नॉट फाउंड इन द क्लासरूम, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो क्लासरूम में आप नहीं पाएंगे। व्हाइट बोर्ड रहेगा, टेबल होगा, चेयर होगा, लेकिन ये छुरी या नाइफ नहीं होगा, आंसर डी होगा। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द ऑड वन आउट, एक जो बाकी से भिन्न है, अलग है, उसको सेपरेट करना है, सेलेक्ट करना है। तो बिस्किट, कोकोनट ऑयल, डिजर्ट, इसमें देखिए बिस्किट जो है इसे हम लोग खा सकते हैं, बाकी का इस्तेमाल जो है खाने में नहीं होगा, तो आंसर इसका बी होगा। इस तरह से हम लोगों ने पार्ट वन की समाप्ति की। थैंक यू फॉर वॉचिंग ASMS।